सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कैसे एक तीन बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है, दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैंबर में तब्दील करना चाहती है, जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूनखार अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूनखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं, वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी दो दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, ये मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है, और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, ये उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है, वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, ये जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, यह कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप
हिटलर के गैस चैंबर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी, दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। हमने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या राहत समय दिया गया कि परिवर्तन हुआ है, क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है? लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आपने टोकन नंबर दे दिया और फिर आपने कैंसिल कर दिया। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी, और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने बारे में, आप सोच सकते हैं, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जांच बिठाई जा रही है, ये कौन सी, इसके बारे में बता सकते हैं, जांच की बात कहां से आई है, किस बात को लेकर के जांच और कहां से आई है? कि आपने अपने वकील के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने का संदेश भेजने का गुनाह कैसे कर दिया? आपके विधायक जनता के बीच में जाएं और जनता की सेवा करें और उनके समस्याओं का समाधान करें, ये संदेश देने का गुनाह क्यों कर दिया? इसके कारण से आपके खिलाफ जांच होगी और आपकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाएगी। ये मोदी सरकार की धमकी है कि आपकी मुलाकात जो परिवार से होती है और वकील से होती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अरे भाई, जो जेल के नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे तो हम आपके बीच में बताएंगे उन सारी चीजों को, और उसकी जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो हमारे वकील उसके बारे में तय करेंगे। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है सीएम की स्थिति, बीजेपी का ये कहना है कि जब कल हाईकोर्ट ने सारी दलीलें आपकी जो कोर्ट में देते हैं बाहर देते हैं जब खारिज कर दी, तो अब तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। किसको? मणिपुर वाले मुख्यमंत्री को, कि अजय मिश्रा को, कि पहलवान बेटियों को जो न्याय नहीं दिया उसको? किसको इस्तीफा देना चाहिए? कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिसपे आरोप लगाया उस अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशरिफ को, किसको इस्तीफा देना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को, कि हेमंत बिश्व शर्मा को जिसके ऊपर शारदा स्कैम और वाटर घोटाले का आरोप लगाया, जमीन घोटाले में जो नारायण राणे शामिल है
उसको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं, भाजपाई एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी, लाखों करोड़ का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिन्होंने बैंक के सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिन्होंने अपने एक दोस्त के लिए, अडानी के लिए हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां नीलाम कर दी, बिजली हो, पानी हो, सेल हो, कोल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया। वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, और उनका दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके घूमेगा। हमको नैतिकता सीखनी है भाजपाइयों से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से, ये सिखाएंगे नैतिकता। उस अरविंद केजरीवाल को जिसने IRS की नौकरी को लात मार दिया, उस अरविंद केजरीवाल को ये नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। 49 दिन के मुख्य चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार दिल्ली के, 49 दिन के बाद लात मार दिया उस कुर्सी को। आज सवाल नैतिकता का नहीं है, याद रखिएगा, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, नैतिकता का सवाल ही नहीं है। नैतिकता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फौजी की पत्नी, जहां पे निवस्त्र करके घुमाई गई, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं 1 साल से, वहां पे इस्तीफा होता। नैतिकता का सवाल होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो 4 किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा होता, पहलवान बेटियों को न्याय मिलता। नैतिकता का सवाल होता तो, नैतिकता का सवाल होता तो चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री पद पर नहीं बिठा रहे होते मोदी जी। नैतिकता सिखा रहे आदर्श घोटालेबाज को आप जो है राज्यसभा में भेज के हमको नैतिकता सिखा रहे हैं भाजपा वाले। ये सवाल नैतिकता का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म, सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग, देश में दादागिरी करोगे? नैतिकता सिखा रहे हो हमें? उत्तर भारत के बड़े बड़े नेताओं को, एक आदिवासी नेता को, हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, कल को सारे विपक्षी नेताओं को 4 फर्जी मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, फिर नैतिकता पे बता रहे हो? और उत्तर भारत के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे टारगेट कर करके एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। हम लोग चप्पल उठाने के लिए बने हैं। संजय भाई, आपके पंजाब के कुछ सांसद हैं और एक रिपोर्ट सामने आई, बता रहे हैं कि आपके ये सांसद जब पूरी पार्टी के सभी नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तस्वीरें बदल रहे थे, प्रोफाइल लगा रहे थे, आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है, क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करें। एक आखिरी सवाल, खतर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, क्या दिल्ली सरकार सही तरीके से चल रही है, फॉर्मूला क्या है जिसके तहत अभी चल रही है? अरे गड़बड़ क्या, वो बताइए पहले, चलिए आपसे कौन सा काम नहीं हुआ वो बताइए ना। सर एक चीज बात मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता का कौन सा काम नहीं हो रहा, उसका जवाब पूछिए ना, आप पूछिए ना। स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं हो रहा है, कि बिजली विभाग का काम नहीं हो रहा है,
कि फ्री बिजली बंद हो गई है यहाँ पे, कि फ्री पानी बंद हो गया है, कि फ्री माताओं बहनों की बस की यात्रा बंद हो गई है। आप पूछिए ना, बताइए, बताता हूँ मैं आपको। एक चीज आप बताइए मुझे, कठिनाइयां आप लाख पैदा करते रहिए, दुश्वारियां आप लाख पैदा करते रहिए, उन परिस्थितियों में भी हम लड़ रहे हैं ना, उसे काम तो कर रहे हैं दिल्ली के लोगों का। देश में पर कैपिटा इनकम के मामले में दिल्ली सबसे अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य। दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। यही मोदी सरकार की किरकिरी है आंखों की, समझ गया। मुख्यमंत्री से संवाद जिस माध्यम से हो पा रहा है, फोन के माध्यम से, परिवार से बात अभी तक जो हो रही है, जिसकी जांच शुरू कराया है इन लोगों ने, उसमें भी अब अड़चन बाधा जो डालेंगे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। काम क्या रुक रहा है जनता का, वो बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि जो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कल? देखिए, पहली चीज तो कल से मैं खबर देख रहा था, ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के चैलेंज वाली याचिका थी, लेकिन जो रेगुलर बेल की याचिका है वो याचिका अलग होती है। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारे वकील अपने दलीलों को रखेंगे, केजरीवाल साहब के जो पक्ष में बातें हैं उसको रखेंगे। कल से हमारे मीडिया के मित्र जो एक बात ये चला रहे हैं कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के सामने तमाम तथ्य रखे गए, नहीं नहीं, कृपा करके अपने आप को सही करिए। 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, 20,000 पन्ने, मैं दोहरा रहा हूं आपको, 20,000 पन्ने या उससे ज्यादा डिजिटल डिवाइस को मिला लेंगे तो और ज्यादा। केस को समझिए गहराई से, क्या है केस, ये 456 गवाह है इसमें, 50,000 पेज की चार्जशीट है इसमें, 34 आरोपी है इसमें, इसकी पेचीदगियों को, जटिलताओं को समझिए। और इसके अंदर सारे कागजात और साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को। सेलेक्टिव तरीके से आपने कुछ बयान कोर्ट के समक्ष रखे जो हमारे खिलाफ दबाव बनाकर लिए गए, यानी कि केजरीवाल जी के खिलाफ या सिसोदिया जी के खिलाफ, मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा, लेकिन जो 20,000 पन्ने हैं उसकी सच्चाई बहुत चौंकाने वाली है। ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन में पता चला था ना कि 12 बयान में से शरद रेड्डी ने 10 बयान में कुछ नहीं कहा केजरीवाल के बारे में। ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन पे कोर्ट के आदेश पे पता चला था ना कि 10 बयान में बाप बेटे ने 8 बयान में कुछ नहीं कहा केजरीवाल के लिए, मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने। और जैसे ही नाम लिया वैसे ही बेल हो जाती है। शराब घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिली है और इनके सारे शीर्ष नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कमल छाप दारू घोटाला जो 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से लिया गया है पैसा, उसकी जांच होनी चाहिए और इनके सारे शीर्ष नेताओं से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ करे, छापेमारी करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप लोग की सरकार बनी तो आप जांच कराएंगे? जब सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा आप ही देखेंगे, हम भी यही रहेंगे, उसकी काय अभी से चिंता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक्सपोज हुए हैं 100%, और क्या क्या होगा देखिएगा। अभी करने दीजिए बेईमानी जितनी कर पा रहे हैं भाजपाई, लेकिन कृपा करके नैतिकता वाला शब्द भाजपाइयों से मत जोड़ा कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे
पैसा ले लेके ठेका देने वाली पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है, बताइए आप। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, 3,08,000 करोड़ रुपए का, कंपनियों से चंदा लिया, रिश्वत ली और ठेका दिया, ईडी सीबीआई का छापा मारा, पैसा लिया छोड़ दिया। धंधेबाज पार्टी है भाजपा, धन्यवाद।